आमतौर पर प्रोफेशनल चित्रकारी में पुरुष वर्ग का बोलबाला रहता है, लेकिन कुछ अलग करने का जुनून हर बोलबाले को बदल कर रख देता है। बाड़मेर में 20 वर्ष की बेटी ने ऐसा ही कुछ ठाना और कर दिखाया। बाड़मेर की नेहा बोथरा ने प्रोफेशनल पेंटिंग में कदम रखकर एक नया ही आयाम बनाया है। नेहा जिले की पहली प्रोफेशनल स्केच आर्टिस्ट बन गई है। एक रिपोर्ट। कागज बना कैनवास, कूची बनी पेंसिल, पेंसिल स्केच ड्राइंग की प्रोफेशनल आर्टिस्ट बनी बाड़मेर की नेहा। सही सुना, रीतिले बाड़मेर की पहली प्रोफेशनल आर्टिस्ट। आपने और हमने विभिन्न आयोजनों में बेटियों को पोस्टर और कैनवास पर हाथ आजमाते देखा होगा, लेकिन बाड़मेर की एक बेटी ने एक कदम आगे रखते हुए पेंसिल स्केच ड्राइंग को प्रोफेशनल तरीके से शुरू कर दिया है। 2 साल की मेहनत के बाद 20 साल की नेहा बोथरा न केवल सोशल प्लेटफॉर्म पर हजारों फॉलोअर्स के साथ है, साथ ही उसे अब पेंसिल स्केच के ऑर्डर भी मिल रहे हैं। बाड़मेर की श्री कन्या मुल्तानमल भीकचंद छाजेड़ महाविद्यालय में BSc तृतीय वर्ष में अध्ययनरत नेहा 2 साल पहले स्केच कलर से चित्रकारी की कला में अपना कदम रखा था, फिर उसने पेंसिल आर्ट की तरफ खुद को समर्पित कर दिया। लगातार घंटों की गई मेहनत और अभ्यास का नतीजा आज यह है कि लोग पैसे देकर उससे पेंटिंग बनाने का ऑर्डर दे रहे हैं। पहले तो स्कूल टाइम में था, फिर इतना ध्यान नहीं दिया। अब साइंस में है तो एनी टाइम ट्यूशन होती है, पर वेकेशन में तो फ्री होते हैं। तो मैंने ऐसे एक स्केच बना दिया तो सबको पसंद आया, अप्रिशिएट किया मैंने और बनाए स्केच। फिर मैंने क्लास ज्वाइन किया तो तब से वो शौक बन गया। अमूमन देखा गया है, अगर कोई शौकिया शुरू होता है या फिर आपकी जनरेशन में देखें तो कलर पेंटिंग करते हैं, आप पहली बार स्केच पेंसिल वाला वो भी लिखेंगे? स्टार्टिंग स्केचेस से। फिर अभी प्रोफेशनल के तौर पे काम कर रहे हैं, 500 रुपये का पे करते हैं, 800 रुपये करते हैं, वो कैसे है? तो अब मैं ऑर्डर्स लेती हूँ, कोई लोग गिफ्ट करते हैं किसी के बर्थडे पे, एनिवर्सरीज पे, तो हैंडमेड गिफ्ट बहुत अच्छा रहता है। फ्रेंड्स में और कॉलेज में कैसा रेस्पॉन्स मिलता है पेंटिंग्स पे? क्या प्रिंसिपल सर भी बोलते हैं मेरा बना के दें। अच्छा, तो आपका यूथ अभी एज की बात करें तो वो सारा मोबाइल पे या पबजी पे या फिर इंस्टा पे उनपे हैं, आप यहाँ कैसे? जब ये काम करते हैं तब वो मोबाइल पर देखते हैं। इंस्टाग्राम पे भी आपके हजारों फॉलोअर्स हैं? इंस्टाग्राम आर्ट को देखकर फॉलो करते हैं। व्यवसायी मांगीलाल बोथरा की बिटिया नेहा अब तक 100 से ज्यादा स्केच बना चुकी है, वहीं अब तक 2 दर्जन से अधिक ऑर्डर भी ले चुकी है। 10वीं में जिला मेरिट में 9वीं पायदान पर रही नेहा की सहेलियां अब अपनों के जन्मदिन पर गिफ्ट के तौर पर नेहा के बनाए स्केच दे रही है। नेहा बताती है कि शुरू शुरू में बेहद मुश्किल आई, लेकिन अब कला में निपुणता से वह खुश है। नेहा के पिता बताते हैं कि बिटिया की चित्रकारिता पर अब गर्व है। पहले तो हमारे घर से पेंसिल वेंसिल इतना देखते कि समय खराब हो रहा हो, अन्य टाइम खराब हो रहा, पढ़ाई में इतना ध्यान नहीं दिया था। तो अब जैसे जैसे बनाना बनाना शुरू किया है तो कुछ क्वालिटी भी अच्छी बढ़ी है, तो लोगों के बढ़ते उसमें भी लोग भी तारीफ करते हैं, फोटो देख के भी फेसबुक पर भी जाते हैं, फोटो भी उसको लाइक भी करते हैं। कई बड़े बड़े लोगों का भी चित्र बनाए, मोदी जी का भी फोटो बनाया, उनको देने का भी प्रोग्राम था, लेकिन दिल्ली से अप्रूवल हो नहीं पाया समय। फिर जब कहा इसने क्लास ज्वाइन करनी है तब आपने दे दिया? जब अच्छा काम लगा तो क्लास ज्वाइन करने का हाँ दे दिया। उसमें जो जो प्रैक्टिस की है तो आगे आगे बढ़ी है, तो क्लियरिटी और भी अच्छी आई है, जैसे सामने हुआ दिख रहा है। अब जब इसके क्लासमेट्स जो है या फिर कोई दूसरे जो लोग हैं, जब वो कहते हैं कि मेरा जन्मदिन है स्केच बना के देना, तो तब कितनी खुशी होती है? तब मेरे को गर्व महसूस होता है लोगों के फोटो बना के दे रही है। जबकि इस उम्र के बच्चे ऐसा करते नहीं हैं, इस उम्र में पबजी खेलते हैं या फिर फेसबुक गेम वगैरह उसमें रहते हैं, ये भी 2-3 घंटे लगभग ये काम कर लेती है। गर्व महसूस होता है? एक तरफ जहां चित्रकारिता में पुरुष वर्ग का हमेशा बोलबाला रहा है, वहीं नेहा ने इस क्षेत्र में अपनी सदी दस्तक दी है। आज कई लोगों के घरों में नेहा की पेंटिंग्स सदी संवरी नजर आती है। बाड़मेर जैसे इलाके में जहां बेटियों की शिक्षा के लिए आज भी कई अभियानों की जरूरत है,
वहीं इस इलाके में महज 20 साल की उम्र में प्रोफेशनल फीमेल आर्टिस्ट के तौर पर नेहा का नजर आना वाकई बेहद सुखद नजर आता है।